दोस्तों आज के इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बताएंगे आईपीएस और आईएएस का कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके जुड़ी ऐसे बातें बताएंगे आपको, मन में अगर कई बार शंकाएं आते हैं जैसे आईपीएस ज़्यादा पावरफुल है या आईएएस ज़्यादा पावरफुल है, आईपीएस के अंदर क्या क्या पावर है और आईएएस के अंदर क्या क्या पावर्स है। मैं सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में बताऊंगा, सब वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा आईएएस और आईपीएस में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसी कंफ्यूज को आज दूर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है जो आईपीएस ज़्यादा पावरफुल है ना आईएएस ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका आज मैं कंपैरिजन आपके सामने बताऊंगा सारे दोनों की, जो कौन ज़्यादा पावरफुल होता है और कौन ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। हालांकि दोनों का पोस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उनमें से जैसे आईएएस का अंडर में आता है हाईएस्ट पोस्ट सीबीनेट सिक्योरिटी और आईपीएस के अंदर आता है हाईएस्ट पोस्ट सीबीआई डायरेक्टर। दोनों आईएएस और आईपीएस के पास प्रमोट ऑप्शन होता है। आईएएस के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट का अथॉरिटीज होता है, जैसे लैंड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेस कलेक्शन, और एसपी के अंदर होता है। और एसपी हमेशा डीएम को रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि आईएएस को रिपोर्ट करते हैं, और आईएएस कभी भी पुलिस स्टेशन पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। आईएएस के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, हर डिपार्टमेंट में जाके वो अपना नजरदारी कर सकते हैं, जो उनके काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है सब कुछ वो देख सकते हैं, और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इन सारे काम आईएएस का होती है। आईपीएस के अंदर काफ़ी बड़ा पुलिस फोर्स होता है जिसे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आईपीएस का काम भी हालांकि मैनेजरिंग वाला होती है, लेकिन वो लिमिटेड होता है, अपना डिपार्टमेंट कोई हैंडल कर सकते हैं। वो लोगों के दिल में ऐसे भी सवाल आते हैं जो आईएएस कभी एक कॉन्स्टेबल का ट्रांसफर बस सस्पेंड कर सकता है क्या नहीं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आईएएस का पावर उतना नहीं होता है, बाकी उन्होंने अगर चाहे तो उस कांस्टेबल का शिकायत अपना एसपी से कर सकते हैं, और एसपी का हाथ में होता है इनके पावर, उनको निकाले क्या नहीं निकाले, वो अगर चाहे तो नहीं भी निकाल सकते, वो उनके मर्जी है, आईएएस का कोई हक नहीं है उनको निकालने का। जैसे आईपीएस और आईएएस का पावर दोनों का ही बराबर ही होता है, हालांकि इन पावर को लेके हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दोनों की पावर बहुत ज़्यादा होता है, कोई ज़्यादा नहीं कभी कम नहीं है, दोनों सलाह परामर्श से ही काम लेते हैं और दोनों एक साथ ही काम करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, इनके पावर ज़्यादा उनके पावर कम ऐसे नहीं सोचते हैं। आईएएस का पावर ऑफ ड्यूटी, आईएएस का काम पॉलिसीज फॉर्मेशन, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज लागू करना, इन सारे काम आईएएस का होती है। आईपीएस का ड्यूटी होता है लॉ फॉर्मेशन, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, इंटरनल एक्सटर्नल, काउंटर टेररिज्म, पब्लिक ऑर्डर, वीआईपी प्रमोशन और क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इन सारे काम में आईपीएस का हाथ होती है। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ आ गया। सो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।